Hey guys, कैसे हैं आप सब? Well, आज मेरी इवनिंग रूटीन आपको बताती हूँ। इसमें है एक्चुअली साग, ये रहा साग। मैं इसको लगा रही हूँ तड़का एंड कुकर में मैंने रखी हुई है दाल। बस दाल बन के रेडी होने वाली है। तो पति लेकर आया पनीर, तो दाल में अगर किसी ने रख के खाना होगा तो खा सकते हैं, विंकल भी खाएगी ऑब्वियसली। तो दाल को फटाफट तड़का लगाते हैं, सॉरी साग तो तड़का लगाते हैं। दाल को मैं लगा चुकी हूँ एक विसल बजे की, उसको मैं बंद कर दूंगी। उसके बाद हम बनाएंगे खाना। सारा कुछ रेडी करने के बाद, यानी कि बर्तन हो चुके हैं, सिर्फ मुझे क्या बनाना है, सिर्फ खाना खाना बनाना है और कुछ नहीं करना है। अभी मुझे जाना है और प्रीत और मिंगल को पूछना है कि उन्होंने अभी खाना है या थोड़ी देर के बाद खाना है, ताकि गर्म गर्म फुलके जो हैं वो उनको मैं बना के दे पाऊँ। राइट, सो मतलब देखिए, इतना कुछ करने के बाद शाम को मुझे इस टाइम पे टाइम लगता है ब्लॉगिंग करने का। वेल, आज मैं दिन की पूरी रूटीन जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले क्या किया हमने, विंकल के पापा पनीर लेने गए थे। मैंने विंकल के साथ टाइम स्पेंड किया, प्ले किया, ये वो इधर उधर की बातें की। उसके बाद जैसे ही वो आ गया, मैंने ये काम करना शुरू कर दिया अपने किचन का। आप भी देख ही चुके हैं कि किचन का काम कितना, मतलब लेडीज़ को पता है कितना टफ और कितना ईजी या कितना कैसा होता है। राइट, तो अभी हम चलते हैं पति जी के पास, जिन्होंने अभी हीटर लगाया है। सिंगापुर ओके, एंड पति देख रहे हैं सिंगापुर, मतलब सामने टीवी में सिंगापुर के बारे में बता रहे हैं। लाइट ऑन कर लेती मैं, वरना आप लोगों को मैं दिखाई नहीं दूंगी, है ना। सो विंकल यहाँ पे है। हेलो बेबी, से हेलो। हेलो गाइस, हेलो गाइस। नो, ये है विंकल का टावल, जिससे आप आई थिंक आपको पता होगा, ये इसको अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा है। से विंकल हेलो, पहले गाइस को हेलो बोलो, यहाँ पे आप भी प्रिंस हेलो बोलो सबको। Hello. अभी आप क्या कर रहे हो? अभी मैं सिंगापुर सिटी देख रहा हूँ। सिंगापुर सिटी, सामने सिंगापुर सिटी चल रहा है, बस वो देखने लगे हुए हैं, क्योंकि हमारा घूमने का प्लान है, कहीं आउट ऑफ कंट्री जाके आए, देख के आए यार वहाँ का क्या हाल चाल है, मतलब क्या है वहाँ पे, जिसकी वजह से सारे बाहर को भागते हैं कि यार
मतलब ओवरसीज जाना है, तो मेरा मन है कि हम भी कहीं बाहर जाके आए, सिंगापुर जाके आए, बार अभी वही चल रहा है, तो या सिंगापुर फ्लायर। एनीवेज गाइस, और बताइए क्या चल रहा है, मेरी रूटीन, और ये हमारा हीटर जिसने इस ड्राइंग रूम को थोड़ा वार्म किया हुआ है, वरना ठंड काफ़ी ज़्यादा है ना प्रीत, फिर से बाहर ठंडी हवा चल रही है। एक्चुअली जहाँ पे बर्फ पड़ी है ना, लाइक मलेरकोटला के पास जो बर्फ़ पड़ी है वो यहाँ से नज़दीकी है, वहाँ से नज़दीकी है, तो जब वो ऐसे धूप पड़ रही है और वो पिघल रही है काफ़ी, जिसकी वजह से जो हवा है वो काफ़ी ठंडी चल रही है ना, बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है, तो हमने क्या किया उसको वॉल्यूम कम कर लो थोड़ी सी, है ना, तो मैं उसको बोल रही थी वॉल्यूम कम कर लो, हाँ, ठंडी जिसकी वजह से काफ़ी हवा चल रही है, तो ठंड बहुत ज़्यादा है, तो हमने अंदर ड्राइंग रूम में हम इस टाइम पे हीटर लगा लेते हैं जब हमने इस रूम में बैठना होता है, इस टाइम हम इस रूम में बैठते हैं एक्चुअली, या सुबह खाना खाते टाइम, या दोपहर में थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं इस रूम में, मूवी वगैरह देखते हैं। तो पति को कुछ बात करनी है सब्सक्राइबर से? हाँ बस, बाहर अभी मैं पनीर लेके आया हूँ, बहुत ठंड थी, बहुत ज्यादा। अच्छा, लोग हैं अभी भी बाहर या फिर ठंड की वजह से? नहीं, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, जैसे वैसे वहाँ पे मार्केट के अंदर ट्रैफिक होता है ना, मैं वो पूछ रही हूँ कि ट्रैफिक था या नहीं था। ठीक था, ज्यादा नहीं था, ठीक था, ज्यादा नहीं था, ठीक था। चलो एनीवेज, दिल्ली के अंदर शायद वो गर्मी है ना, दिल्ली में तो शायद है ना, वहाँ पे ठंड नहीं है ना, आई थिंक नहीं है, नहीं वो तो सच बॉम्बे में है, दिल्ली में पता नहीं, आई डोंट नो। तो मैं पूछ रही थी खाना अभी बना दूं, चपाती बना दूं अभी? बेटा रोटी खाएगा? रोटी खाओगे बेटा? प्लीज वन चपाती, वन सारे इकट्ठे खा रहे हैं, ले आ दूं पाके दे आपको। मैं गर्मा गर्म कह रही, सोच रही थी कि गर्मा गर्म दूंगी आपको, तो बोलो दाल बन गई है, साग को मैंने तड़का लगा दिया, दाल को भी लगा दिया है, तो सब कुछ रेडी है, आप बताओ, तो मैं अभी बना के रखूंगी या थोड़ी देर में? अभी थोड़ी देर में, अभी अभी ओके। So guys, order मिल चुका है हमें। अभी हिंदी में बोलते हैं अभी, पंजाबी में बोलते हैं हुणे हुणे हुणे। तो अभी कौन सा किया गया? हाँ, बड़ा अच्छा था ना उसका, कैसे जैसे लग रहा था जैसे जीन होती है, जीन का कपड़ा होता है ना, वैसे ही लग रहा था उसका, एक एक सामने ना वो है जानवर था कोई, क्रोकोडाइल की तरह बड़ी सारी छिपकली होती है उसे, छिपकली की तरह था वो, है ना, लिज़र्ड की तरह, तो उसका कपड़ा लग रहा था, है ना प्री, जीन ब्लैक जीन होती है ना वैसा उसका कपड़ा लग रहा था, बहुत ज्यादा सिंगापुर, अच्छा बहुत ज्यादा नाइस। सो गाइस, चले चपाती बनाए, औरत की क्या जिंदगी है, बस यही जिंदगी है, चपाती में पूरी जिंदगी निकल जाएगी, चलो मेरी जिंदगी पूरी चपाती में निकल जाएगी। Thank you.
हे गाइस, तो अब मैं आपको मिल रही हूँ डिनर करने के बाद. यस, एक्चुअली विंकल को डिनर करवाना बहुत मुश्किल होता है, आप समझ सकते हैं. और अभी देखिए, विंकल है ना सॉक्स निकाल दी है, अब ना वो सॉक्स पहन रही है. क्या कर रहे हो आप? व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहे हो आप? क्या हो रही है? ओ, आपको सॉक्स पहननी आती है? और ये वैसे भी सॉक्स गंदी होगी. आपको आती है सॉक्स पहननी? आपको सॉक्स पहननी आती है? गंदी? ओके, अच्छी वाली पहन लो फिर. ये अच्छी वाली सॉक्स है. सो टाइम बहुत ज्यादा हो गया, तो हम जा रहे हैं सोने. 10 बज रहे हैं आई थिंक, तो हम जा रहे हैं सोने. एंड आपको मिलेंगे नए ब्लॉग में. हाँ, लेकिन ये रूटीन अगर आपको हाँ कई बार हो जाता है, मतलब रूटीन में ना कई बार गड़बड़ हो जाती है. टाइम पे कई बार नहीं खाना बनता, आधा घंटा एक घंटा आगे पीछे हो जाता है. और सम टाइम ऐसे भी होता है कि लाइक कई बार हम बाहर डिनर वगैरह करके आते हैं, तो फिर तो रूटीन बिल्कुल ही चेंज हो जाती है. हाँ, लेकिन जो डेली की रूटीन होती है हमारी घर की, तो यही होती है. आई थिंक हर हाउस वाइफ की यही होती है. मतलब अगर आप चाहे बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, ये भी चीज़ गंदी है या तो, लेकिन जो रूटीन है ना वो इसी तरह से होती है. तो एनीवेज, आई होप आप लोगों को ये ज़रूर अच्छा लगा होगा मेरा रूटीन. और हर रोज़ लेडीज़ का जो काम होता है ना, हर रोज़ का ये कर लो वो कर लो, है ना विंकल? यही होता है ना मम्मा का काम, ये कर लो वो कर लो, कभी ऐसे कर लो कभी वैसे कर लो. बेबी शिपी कर रहा है, बेबी नीनी कर रहा है, बेबी तंग करता है, बेबी को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है. बोलो हेलो गाइज. गाइज को हेलो तो बोल दो. बोलो हेलो गाइज. अब मैं नीनी करने जा रहा हूँ. नीनी करने जा रहा हूँ. नहीं नीनी करनी, नीनी करनी आपने, नीनी नहीं करनी है. बोलो मैं नीनी करने जा रहा हूँ. नहीं करने जा रहे हो? ये कैटी कौन है? कैटी कहाँ पे है? ये रही कैटी. विंकल कहाँ पे है? व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? विंकल. एक्चुअली कल विंकल के स्कूल से मैसेज आया था हमें. विंकल एक्चुअली बीमार हो गई थी, आप लोगों को पता ही है, तो उसके दो दांतों की वजह से. और विंकल के स्कूल से मैसेज आया कि उसकी जो है एनुअल फंक्शन की तैयारी हो रही है, तो आप अपने बच्चे को ज़रूर भेजिए. हमें आ गई है कंप्लेंट कि विंकल को प्रॉपरली स्कूल भेजो, है ना. ये कौन है? ये बाबू कौन है? मस्ती चढ़ी हुई है विंकल को ना आज. आज विंकल को फुल मस्ती चढ़ी हुई है. विंकल को मस्ती चढ़ी हुई है. हेलो, ये कौन आ गया? ये बाबू कौन है? ये भी बेबी कौन है ये जो मस्ती कर रहा है? हेलो हेलो, बाय बाय गाइस, आई एम गोइंग टू स्लीप. बाय बाय गाइस. डो. आज मस्ती स्टार्ट है विंकल की. आज बहुत ठंड थी सीरियसली, तो हमने आज मैंने ना एक गड़बड़ कर दी. पता क्या किया मैं ना, एक्चुअली शूट कर रही थी तो हीटर रखा होता, हीटर के आगे मैंने ना कैमरा स्टैंड रखा, ट्राईपॉड, और उसमें कैमरा लगा के मैंने हीटर के बिल्कुल आगे रख दिया. वो काफ़ी गर्म हो गया, मतलब मैंने काफ़ी टाइम के बाद जब देखा मेरे हस्बैंड ने, तो वो बहुत चिल्लाई मुझ पर. एंड आपको पता है वो एकदम गर्म हो गया था. लाइक आप ऐसा कभी मत कीजिए. हाँ, ध्यान में ही नहीं रहा, लाइक माइंड में आया ही नहीं. एक तो ये बोल रहे थे जल्दी आओ जल्दी आओ, तुम्हें सिंगापुर दिखाना है ना, मतलब तो हम थोड़ा सोच रहे हैं जाने का. तो वो दिखा रहे थे मुझे कि आओ यहाँ पे आओ, जो 10 प्लेस हमें बोल रहे हैं ना वो सिंगापुर के, तो वो आ रहे हैं, जल्दी देखो जल्दी देखो. उस चक्कर में ही मैं फटाफट गई, और मेरे पास विंकल थी, तो ये बोल रहे हैं कि अगर तुमने ध्यान से नहीं देखा ना तो फिर देख लेना, मैंने बंद कर देना, मतलब. तो फिर मेरा ध्यान उस तरफ था और मैं बस टीवी की तरफ मेरा ध्यान था. और आप देख ही रहे होंगे ब्लॉग में, मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं, आपने देखा अभी पीछे टीवी देख रही थी, उसके पीछे ना ट्राईपॉड लगा हुआ था, वो पूरा गर्म हो गया.
तो मैं उसको बंद करके बाहर रख के आई ठंड में, और काफ़ी ठंडा हुआ। फिर उसको निकाला मतलब बाहर और देखा, ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, थैंक गॉड कि मेरा फ़ोन बच गया, वरना तो वो बस ख़त्म हो जाता। मतलब या इतना बड़ा नुकसान एक ब्लॉग के चक्कर में मेरा इतना बड़ा नुकसान हो जाना था यस। तो एंड मेरा फ़ोन बहुत अच्छा है, पिक्चर्स बहुत बढ़िया है इसकी, एंड इसके साथ साथ इसका जो कैमरा है, कैमरा क्लियरिटी बहुत बढ़िया है। मुझे अपना फ़ोन बहुत पसंद है। हाँ, इसमें एक चीज़ है कि इसमें मेमोरी बहुत कम है, जो मुझे प्रॉब्लम देती है कि इसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा कम है, तो मैं जब भी शूट करती हूँ तो बहुत कम शूट कर पाती हूँ, तो बार बार मुझे निकाल के डाटा सेव करना पड़ता है, फिर से करना पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। एक व्लॉगर बनना इजी नहीं हो जाता, तो लोग बोलते हैं कि हाँ आप लोग ऐसा करते हो या ये करते हो, नहीं, इंडियन व्लॉगर हूँ और ब्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल है। लाइक हमेशा कैमरे से बात करना, आगे कोई बंदा नहीं है, और अगर कोई और बंदा देखे मुझे तो सोचे कि यार ये अपने आप से बात कर रही है ना, लेकिन उन्हें क्या पता कि मैं कितने बंदों से बात कर रही हूँ, कितने बंदों को दिखा रही हूँ, इनका स्टार्ट करना है। तो ब्लॉगिंग करनी आसान नहीं है, हमेशा किचन का जो भी हम कर रहे हैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर करनी। अगर आप खुद एक बार ट्राई करके देखिएगा, कैमरा अपने सेल्फी स्टिक में लगा के या ट्राईपॉड में लगा के अपनी पूरी पूरी दिन की रूटीन अगर आप जाओगे ना शूट करने, तो कोई नहीं कर पाएगा। हैंड छोड़ो, पहले आप मेरे को छोड़ो, छोड़ो छोड़ो बेटा, मस्ती में मूड में है, मम्मा मस्ती के मूड में नहीं है, मम्मा जा रहे हैं अभी काम करने। ओके, से बाय टू ऑल, से बाय टू ऑल विंकल, सभी ने नीनी करनी है, सब वेट कर रहे हैं। ओके, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मिलेंगे नए ब्लॉग में, बाय बाय।